आज की इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स कि इंस्टाग्राम में आप बायो कैसे लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से और स्टाइलिश तरीके से भी। तो इसके लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले बता दूं कि बायो होता क्या है। तो जैसे रविशंकर प्रसाद का ये पेज है तो इस पे क्लिक करते हैं, तो ये जो लाइन आता है इसे हम बायो कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि इसे लिखते कैसे हैं, सिंपल तरीके से और स्टाइलिश तरीके से भी। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाइए होम पेज में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा होम पेज है। होम पेज में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक पर्सन वाला आइकॉन दिख रहा होगा, तो इस पर्सन वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोनू राजा लिखा हुआ है और उसके नीचे कोई बायो नहीं ऐड है। तो इसे ऐड करने के लिए क्लिक कीजिएगा एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक बायो का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार, जैसे कि आप क्या पसंद करते हैं और अपने बारे में क्या सोच रखते हैं, ताकि आपके फैन और फॉलोअर आपके बारे में जान सके और आपसे ज्यादा कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पे क्लिक करके हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे अपने पसंद के अनुसार बायो लिख देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा, ऊपर में यह टिक मार्क है, यहाँ पे टिक मार्क पर क्लिक कर देने के बाद फाइनली इसे सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से हमारा बायो सेट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाम के नीचे बायो लिखा हुआ आ रहा है। तो ये था सिंपल सा तरीका बायो लिखने का। अब आपको बताऊंगा स्टाइलिश बायो कैसे लिखा जाता है। तो स्टाइलिश बायो लिखने के लिए प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिएगा कूल बायो। कूल बायो टाइप कर देने के बाद ये नाम को ऑटो सजेस्ट करने लगता है, कूल बायो क्विट्स आइडिया। तो इस पे क्लिक करके इस एप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अपने फोन में इस एप्स को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूं, तो चलिए इसको ओपन करके बताता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा बॉयज या गर्ल्स, तो मैं क्लिक करता हूँ बॉयज। और यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल मिल जाता है, तो इसे हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे बायो मिल जाते हैं, तो आपको जो भी बायो अच्छा लगे उसे आप सेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे आप अपने अनुसार। फिलहाल मैं इस बायो को सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक आइकॉन बना हुआ है कॉपी का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से ये हमारा बायो कॉपी हो जाता है। तो चलते हैं अपने इंस्टाग्राम ऐप में। इंस्टाग्राम ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको पहले की तरह क्लिक करना है इस पर्सन वाले आइकॉन पे, और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देने के बाद आप आ जाइएगा फिर से बायो वाले सेक्शन में और यहाँ पे इसे कट कर दीजिएगा। कट कर देने के बाद यहाँ पे आप अपने फिंगर से लॉन्ग प्रेस कीजिएगा और इसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। पेस्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका बायो स्टाइलिश ऐड हो जाता है। तो आप क्लिक कीजिएगा स्टिक मार्क पे, इसके बाद दोबारा स्टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये सेव हो जाता है। तो देखिएगा जी, ये हमारा नाम के नीचे स्टाइलिश बायो आ चुका है। तो ये थी छोटी सी वीडियो के इंस्टाग्राम में स्टाइलिश बायो और सिंपल बायो कैसे लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।